गुड मॉर्निंग टू ऑल द डियर स्टूडेंट्स. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 8th, चैप्टर नंबर 8, फैक्टराइजेशन, एक्सरसाइज 8.1. इसमें हमें फैक्टराइज करना है. देखिए कैसे करेंगे. देखिए 12x प्लस 15 को फैक्टराइज करना है. अब देखिए इसमें भी 3 और 3 कॉमन लिया जा सकता है. तो 3 का टेबल पढ़ेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12 होता है, x 5 जा 3 5 जा 15 होता है. देखिए इसमें भी 3 का टेबल पढ़ा जा सकता है, इसमें भी. तो 3 हमने दोनों में से निकाल लिया यानी कॉमन ले लिया. यहाँ 4x हो गया, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15. ये हमारा आंसर है. नेक्स्ट हम देखते हैं 14m-21. तो इसमें हम कितना कॉमन ले सकते हैं, ये सेकंड वाला है. इसमें देखिए 7 कॉमन ले सकते हैं, 7 के टेबल 7 और 7 के टेबल में 21 भी आता है. तो 2m हो जाएगा, 7 2 जा 14 हो गया और 7 3 जा 21. ये हमारा आंसर हो जाएगा. कॉमन लेना सीखना पड़ेगा हमें, फैक्टराइज करने के लिए कॉमन लेना सीखना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, फोर्थ नंबर है, 16a² - 24ab. अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, किसके टेबल में 16 भी आता है और 24 भी आता है, 4 के टेबल में, 8 के टेबल में भी आएगा. सबसे लार्जेस्ट नंबर खोजेंगे जिसके टेबल में दोनों आए. तो 8 और क्या आ सकता है, दोनों में a भी है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, तो a भी हम कॉमन ले सकते हैं. तो यहाँ कितना हो गया, 2 जा और a, यहाँ क्या हो जाएगा, 3 जा b. a तो एक ही इसके पावर 1 ही है, 1 तो हम ले चुके हैं a का. तो ये हो जाएगा आंसर हमारा. इस तरीके से कॉमन लेना सीखना होगा. कॉमन कैसे लेते हैं, देखिए मिनिमम पॉसिबल नंबर जिसका टेबल पढ़ा जाए जिससे दोनों नंबर डिवाइड हो जाएं. तो 8 के टेबल में 16 भी आता है, 24 भी आता है. तो 8 2 जा और देखिए a इसमें भी है, एक पावर इसमें, 2 पावर है इसमें, 1 पावर है. तो मिनिमम हम 1 ले पाएंगे. तो a लिया, ये a हो गया और ये b हो गया, a निकल गया पहले से ही. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर. इसमें देखिए कितना कॉमन ले सकते हैं, देखिए 12 3 के टेबल में 12 आता है, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21. तो 3 कॉमन मिनिमम ले सकते हैं. इसमें x स्क्वायर है, इसमें x क्यूब है, यानी x स्क्वायर दोनों में कॉमन लिया जा सकता है. इसमें से भी निकाला जा सकता है, इसमें से भी. इसमें y क्यूब है, y क्यूब इसमें भी है, दोनों में y क्यूब है, y क्यूब दोनों में है, सॉरी इसमें y स्क्वायर है, ये y स्क्वायर है, यानी y स्क्वायर दोनों में लिया जा सकता है. 3 4 जा 12 होता है, 3 कितना टाइम पढ़ेंगे तो 12 आएगा, 4 टाइम. x स्क्वायर ले चुके हैं, यहाँ x का कोई पावर नहीं बचा, x स्क्वायर लिया है तो y बचेगा. इसमें 3 7 जा 7 टाइम्स पढ़ेंगे तब 21 आएगा. x स्क्वायर ले चुके हैं तो x बचेगा, y स्क्वायर तो पहले से ही ले चुके हैं, यानी ये कॉमन. इस तरीके से हमारा ये आंसर हो जाएगा. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे. ये हो जाएगा 9x³ + 6x² + 12x. देखिए सब में 3 के कॉमन हो सकता है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और x सब में से लिया जा सकता है. इसमें x है, इसमें x, इसमें भी x लिया जा सकता है. 3 3 जा 9, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 2 जा 6, एक पावर ले लिया है तो बचा कितना है, एक पावर. यहाँ 3 4 जा 12, यही हमारा आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 12 देखिए. अब देखिए यहाँ हम क्या कॉमन ले सकते हैं, सब में 9 कॉमन ले सकते हैं. 9 के टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है. और a देखिए a क्यूब है, यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ a क्यूब है, मतलब a स्क्वायर तो सब में ले सकते हैं. b क्यूब b स्क्वायर और b स्क्वायर ले सकते हैं. अब देखिए यहाँ क्या बचा, 9 2 जा और a स्क्वायर ले लिया है, एक ही पावर बच रहा है, b स्क्वायर लिया है तो b बच रहा है. माइनस 9 3 जा, 3 टाइम्स पढ़ेंगे तब 27 आएगा. a स्क्वायर निकल चुका है तो कुछ नहीं बचा, b क्यूब
बी क्यूब है यानी बी बचा। अब यहाँ 9 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 36 आएगा, 4 जा ए स्क्वायर ले चुके हैं, एक पावर बचेगा, बी स्क्वायर निकल चुका है, का कुछ नहीं बचा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। अब इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 5 सब में कॉमन ले सकते हैं, देखिए 5 कॉमन हम ले सकते हैं, तो यहाँ क्या बचा, -1, 5 1 जा 5, -5 2 जा 2t, अब यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस टी है, और 5 4 जा और टी बचा, टी स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें केवल कॉमन लेना सीखना है, सब में क्या निकल सकता है, कितने के टेबल से हम निकाल सकते हैं, और अगर टी भी निकल सकता है तो टी भी निकालेंगे, नहीं निकल सकता, देखिए इसमें से निकल जा सकता है, इसमें से भी टी निकल सकता है, लेकिन इसमें नहीं निकल, ऐसी चीज़ निकालेंगे जो सब में कॉमन हो, सब में मतलब निकल सके, कम से कम हम उसको कॉमन ले सकें। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये देखिए इसमें हम क्या ले सकते हैं, 5 कॉमन ले सकते हैं, सब में 5 के टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है, m के पावर 3 है, 4 है, 2 है, मिनिमम कितना है, 2 है, तो सब में 2 ले सकते हैं, n के पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो सबसे मिनिमम वाला पावर जो सब में हो तो n ले सकते हैं, तो यहाँ 5 2 जा बच्चा, m स्क्वायर लिया है तो m बचेगा केवल, क्यूब है, यहाँ n लिया है, n स्क्वायर है तो n बचा, प्लस 5 3 जा 15, एम के पावर 4 है, यहाँ हमने स्क्वायर लिया है, यानी कितना बचा, 2 पावर बचा, 2 यहाँ 2 यहाँ, 4 हो गया, एन के पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा, 5 4 जा 20, एम स्क्वायर ले चुके हैं, एन के पावर 3 है, यानी 2 बचा, एन स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, देखिए इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स है, यहाँ एक्स है, तो एक्स कॉमन ले सकते हैं, इसमें वाई 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 ले सकते हैं और जेड ले सकते हैं, तो यहाँ कितना बचा, एक्स वाई में कुछ नहीं बचा, जेड में कुछ नहीं बचा, यहाँ वाई एक्स और जेड तो 1 1 ही पावर है, वाई स्क्वायर है, यानी वाई बचा, यहाँ जेड बचेगा, यही हमारा आंसर होगा। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, थैंक यू सो मच।